हेलो एवरीवन दिस इज बिंदु प्रभा साहू वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्नैप्स बायोलॉजी सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनवायरमेंटल साइंस क्वेश्चन पेपर राइट ऑफ योर सी पी टी जो क्वेश्चन आया था 70 क्वेश्चन उसमें से 35 क्वेश्चंस क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड रेस्ट 35 फाइव क्वेश्चन हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे ओके एंड दैट वीडियो विल कम आफ्टर टू टू थ्री डेज ओके क्योंकि अभी स्केड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है तो टाइम लग रहा है ओके okay? वीडियो बनाने में क्लियर सो so, जो भी क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर्स हैं दे आर एज पर द बेस्ट ऑफ आर नॉलेज ओके लेकिन गलतियाँ सबसे होती है ओके okay? हमसे भी होती हैं बट वी कैन रेक्टिफाई दैट राइट तो अगर आपको कोई भी मिस्टेक लग रहा है आंसर में यू कैन लेटस्ट नो इन द कामेंट सेक्शन क्लियर वहाँ बाद में एनालाइज करके सही आंसर आपको अपडेट कर देंगे ओके okay? जो भी आंसर अपडेट होगा दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग अपडेट करते हैं आंसर क्लियर अगर कोई भी हम हमसे मिस्टेक हो जाता है क्लियर तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं क्लियर सो स्टार्ट करते हैं से पीई टी एन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कम टू क्वेश्चन नंबर वन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मेडअप ऑफ ओके सो इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज द कोर राइट एंड इट इज कम्पोज ऑफ वॉट हैवीएस्ट मिनरल्स सो देंट्रल मास इज मेनली मेडअप ऑफ वॉट योर निकल एंड आयरन तो जिसे हम क्या बोलते हैं एन आई एफ ई राइट Nickel and ferum. Clear, so nickel and iron. Answer will be option D. Clear. Next come to question number two. With increase in temperature, the specific conductivity of water remains unchanged, increases, decreases, makes the water turbid. Okay. So we know that for every one degree Celsius increase, conductivity values can increase two to four percent. ओके क्लियर तो मतलब अगर टेम्परेचर वन डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो कंडक्टिविटी टू टू फोर परसेंट बढ़ जाता है राइट right? तो so, यहां पे क्वेश्चन दिया है क्या विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर विल वॉट इट विल इंक्रीज ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री यूट्रोफिकेशन इन वेटलैंड्स सच एज लेक्स इज कॉज बाय एनरिचमेंट ऑफ वाटर क्लोराइड्स एनरिचमेंट ऑफ वाटर बाई फॉस्फेट्स साइल सिल्टेशन ड्यू टू कैशमेंट या फिर एडिशन ऑफ डेट्रीस तो देखो न्यूट्रोफिकेशन ओके इट इन केस ऑफ फ्लैक यूट्रोफिकेशन इज कॉज बाय ओवर एनरिचमेंट विथ न्यूट्रिय और उसमें प्रिंसिपल न्यूट्रिय क्या होता है फॉस्फरस क्लियर तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट ओके एनरिचमेंट ऑफ वाटर बाई फॉस्फेट्स नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर फोर ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज डायरेक्ट क्वेश्चन है बहुत बार हम लोग डिस्कस किए हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज बाय नाइट्रेट राइट नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग सर्फेसेस हैज मैक्सिमम एल्बेडो ओके सो व्हाट इज एल्बेडो एल्बेडो इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन टू द टोटल रिसीव्ड सोलर रेडिएशन ओके कितना सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट होता है और कितना रिसीव होता है ओके okay. उसे हम अगर डिवाइड कर देंगे वो होता है आपका अल्बेडो वैल्यू क्लियर तो मैक्सिमम अल्बेडो इनमें से जो है लीफी क्रॉप्स ड्राई सैंड सी वाटर डार्क एसफाल्ट ओके इसका आंसर क्या होगा आपका ड्राई सैंड क्लियर मैक्सिमम एल्बेडो क्लियर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट ओके पैन पेरोक्सीएसिटल नाइट्रेट राइट ओजोन एलडीहाइड्स हाइड्रोकार्बन जो मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट होता है दैट इज योर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स राइट तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बाद जो नाइट्रोजन कॉम्पाउंड हम यहाँ देख रहे हैं उनमें से क्या होगा पैन पैन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओके सो ऑप्शन ए इज पैन सॉरी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर सेवन अ नीच ऑफ अ स्पीशीज़ वेयर देर इज नो कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर स्पीसीज इज कॉल्ड ओके स्पीसीज का नीच है और उस नीच में क्या है कि कोई दूसरे स्पीसीज का कॉम्पिटिशन नहीं है देर इज नो कॉम्पिटिशन क्लियर तो उस तरह के नीच को हम क्या बोलेंगे फंडामेंटल नीच हाइपर वॉल्यूम नीच रियलाइज नीच या फिर ये सब के सब क्लियर तो उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल नीच क्लियर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर एट प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अ जेनोबायोटिक कंपाउंड मतलब केमिकल कंपाउंड ओके व्हेन इट पासेज थ्रू फूड चेन इज कॉल्ड ओके यहाँ पे देखो फूड चेन में पास कर रहा है क्या जेनोबायोटिक कंपाउंड क्लियर और उसका कंसंट्रेशन आफ्टर ईच ट्रॉफिक लेवल वो प्रोग्रेसिवली बढ़ता जा रहा है राइट right? तो ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन हाइपर एक्यूमलेशन बायो एक्ुमलेशन या फिर नन ऑफ द एवव ओके इट विल बी योर बायो मैग्निफिकेशन ओके ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बायो एक्ुमलेशन क्या है इट टेक्स प्लेस इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर द स्पैन ऑफ इट्स लाइफ राइट विच रिजल्ट इन हाइयर कंसेंट्रेशन इन ओल्डर इंडिविजुअल ओके okay, वो सिंगल ऑर्गेनिज्म में होता है नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर नाइन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इको सिस्टम इज ओके नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला जो है वो पूछा है आप लोगों को तो क्या है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम हमें पता है इट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द प्लांट व्हाट जो भी लॉस करता है केस ऑफ मेटाबोलिक प्रोसेसिसन ऑप्शन करेक्ट आंसर में कौन नहीं जाएगा नॉट अ टाइप ऑफ दया होगा इनसीटू होगा तो इनमें से इन सीटू क्या है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राइट तो टेन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लियर बाकी के सब एक्सीटू है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंसिटू कंजर्वेशन में आता है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर इलेवन हुआ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल माइक्रो न्यूट्रिय ओके सॉयल में सेवेंटीन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से एट एलिमेंट्स होते हैं आपके माइक्रो जो कि क्या क्या है आपका बोरन कार्बन कपर देन फेरम मतलब आयरन देन मैंगनीज मॉलिबनम फिर जिंक एंड देन निकल ओके तो यहाँ पे पूछा है कि क्या इनमें से सॉयल माइक्रोन्यूट्रियट नहीं है तो इनमें से क्या नहीं होगा आपका सल्फर वो माइक्रोन्यूट्रियट्स में नहीं आता है क्लियर बाकी तीनों माइक्रोन्यूट्रियस में आते हैं नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाट इज द हार्डेस्ट मिनरल ऑन द मोस स्केल ओके हार्डेस्ट मिनरल मोस स्केल में है आपका डायमंड क्लियर और जो सॉफ्टेस्ट है वो है टाल्क क्लियर दिस इज द सॉफ्टेस्ट क्लियर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन वन थर्टी वन इज ओके तो रेडियो एक्टिव आयोडीन का सॉरी रेडियो एक्टिव आयोडीन वन थर्टी वन का आपका हाफ लाइफ पीरियड होता है एट डेज ओके okay. लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सब ईयर्स में है थर्टी ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स फाइव ईयर्स एट ईयर्स ओके तो विश uh, कि ये जो ऑप्शन है वो गलत है क्योंकि आज पर माई नॉलेज ओके जितना मुझे पता है इट इज़ एट डेज एट पॉइंट ज़ीरो टू डेज ओके क्लियर सो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताओ हमें ओके okay. अगर गलत है तो आपको ग्रेस मार्क तो मिलनी चाहिए राइट क्योंकि ऑप्शन में इयर्स दिया हुआ है राइट नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नोन आज ओके इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम ओके वो होता है आपका क्या एंट्रोपी राइट तो फोर्टीन का आंसर क्या हो जाएगा सी इन ए थॉर्मोडाइनमिक सिस्टम अगर हम इंटरनल एनर्जी के साथ प्रेशर एंड वॉल्यूम के प्रोडक्ट को एड करते हैं तो वो देता है हमें एंट्रोपी ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वट इज़ ओ एच माइनस आई कंसेंट्रेशन ऑफ एच सी एल हु पी एच इज थ्री ओके तो देखो अगर पी एच हमारा थ्री है तो पी ओ एच कितना होगा पी के डब्ल्यू माइनस पी एच ओके दैट विल बी योर फोर्टीन माइनस थ्री दट इज इलेवन राइट क्लियर तो पी क्या होता है माइनस लॉग ओएच माइनस आयन का कंसेंट्रेशन है कि नहीं तो वो हमें मिल गया कितना इलेवन राइट right? तो ओएच OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा आपका टेन टू द पावर माइनस इलेवन क्लियर अंडरस्ट तो ये हो जाएगा आपका आंसर नाव कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द रामसार कन्वेंशन इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ ओके इट इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वेट लैंड्स क्लियर तो जो रामसार कन्वेंशन हुआ था ओके इट वॉज द कन्वेंशन ऑफ ऑन वेट लैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एस्पेसली एज योर वाटर फॉल हैबिटेड क्लियर तो वेट लैंड्स आपका सही आंसर है नेक्स्ट काम टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ओके ये हम डिस्कस किए थे राइट right. आंसर क्या होगा सेवनटीन का इट इज़ मे ट्वेंटी टू ओके ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मे नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर एटीन नॉइज लेवल कैन रेंज फ्रॉम ओके तो ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है हमारे चैनल में तो इसका रेंज होता है आपका जीरो टू वन ट्वेंटी डी बी ओके डेसीबल क्लियर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन टेम्परेट रीजन इज ओके तो जो टेम्परेट जोन होता है इट इज़ द एरिया ऑफ द अर्थ विच लाइज बिटवीन द मिडिल लैटिट्यूड और मिडिल लैटिट्यूड कितने से कितने डिग्री तक होता है फोर्टी टू एटी डिग्री ओके टू द नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर ओके तो होगा आपका फोर्टी डिग्री टू सिक्सटी डिग्री लैटिट्यूड क्लियर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अपी मूवमेंट टू प्लेस इन ओके तो अपीको मूवमेंट हुआ था सितंबर 1983 में जिसमें जो मैन वमेन चिल्ड्रन जो सब थे सल आ, सलकानी ग्रुप के दे हग्ड द ट्रीज इन कलासा फॉरेस्ट ओके सो जो हगिंग जो टर्म है ओके okay? उसका लोकल टर्म कन्नड़ा में अपीको होता है क्लियर तो ये जो अपीको मूवमेंट इट टूक प्लेस इन कर्नाटका ओके ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन ओके बर्थ रेट डेथ रेट माइग्रेशन या फिर ऑल ऑफ द एवव ओके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन ऑल दिस थ्री बर्थ रेट बर्थ रेट अफेक्ट करता है अगर ज़्यादा बर्थ हो तो पॉपुलेशन ग्रो करेगा कम हो तो कम होगा डिक्रीज होगा डेथ रेट उसी तरह है अगर डेथ रेट ज्यादा हो तो पॉपुलेशन डिक्रीज करता है राइट right? माइग्रेशन में आपका इमाइग्रेशन एंड इमिग्रेशन होता है वो भी अफेक्ट करता है ग्रोथ रेट को राइट सो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द हिम ये है वॉट ऑफ द आई डी गाउट लेट दैट क्विकली ग्रो ओवर लेट मी नॉट हिट द वाइटल्स और हार्ट इज फ्रॉम ओके ये एक श्लोका है इट इज फ्रॉम योर अथर्व वेद ओके सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री व्हाट आर द वेरिएबल्स हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द वेट हाइट एंड लेंथ ओके वो वेरिएबल को हम बोलते हैं आपका कंटिन्यूस वेरिएबल ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर व्हाट इज द स्केल अप्लाइड इन स्टेटिस्टिक्स विच इम्पार्ट अ डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड प्रोपोर्शन ओके स्टैटिस्टिक्स में ऐसा कौन सा स्केल अप्लाई करता है करते हैं हम लोग जो कि मैग्नीट्यूड एंड प्रोपोर्शन में डिफरेंस को बताता है एंड दैट इज योर रेशियो स्केल ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द रन्स स्कोर्ड बाई अ बैट्समैन इन फाइव ओडीआईज़ आर थर्टी वो नाइन्टी सेवन हंड्रेड ट्वेल्व सिक्सटी थ्री एंड ट्वेल्व द स्टैंडर्ड एविएशन इज ओके तो देखो ये क्वेश्चन में भी आपका जो ऑप्शन है वो सही नहीं है ओके okay, देखो पहले हम निकालते हैं क्या अगर स्टैंडर्ड एविएशन हमें निकालना है पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा राइट right? तो मीन कैसे निकालते हैं ये चार ये जो पांच है उन्हें हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई फाइव ओके जिसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्सटी थ्री क्लियर मीन हो जाएगा कितना सिक्सटी थ्री

तो जो ऑप्शन में है वो नहीं आ रहा है ओके okay? क्लियर तो आप लोग सॉल्व करो आपका आंसर कितना आ रहा है वो हमें बताओ तो अगर ये क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन का आंसर गलत है तो पता चल जाएगा राइट right? आप लोगों को क्रेस मार्क मिल, मिल सकता है है कि नहीं एक मार्क ज़्यादा राइट right? तो देखो अगर आप नेट में सर्च करोगे ये क्वेश्चन का आंसर तो आपका ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन नाइन बहुत जगह में आंसर दिया हुआ है ओके okay. लेकिन वो आंसर जस्टिफाइड नहीं है क्लियर तो आप लोग वो देख के ये मत बोलो कि मैम को नहीं आ रहा है या फिर उन्हें नहीं पता है या फिर वो गलत बोल रहे हैं ओके okay? अगर हम स्टैंडर्ड एविएशन की बात करें तो ये आपका फॉर्मूला है और ये फार्मूला आप अगर पुट भी करते हो तो आपका आंसर इनमें से नहीं हो रहा है क्लियर और कुछ कुछ जगह में ये भी फॉर्मूला दिया हुआ है कि समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन ओके अगर वो भी आप पुट करते हो तो भी आपका सही आंसर नहीं निकलेगा क्लियर ऑप्शन में जो है ओके सो लुक इन टू दिस क्वेश्चन क्लियर और अगर आपका आंसर ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन नाइन आ रहा है किसी भी तरह से तो आप हमें बताओ विथ फुल एक्सप्लेनेशन ओके वी विल डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट अगर सही होगा ओके okay? Now come to question number twenty six. Find the mode of the call received on seven consecutive days, which are eleven, thirteen, thirteen, seventeen, nineteen, twenty three, twenty five. Okay, mode कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी जिसका हाइएस्ट होगा जिस नंबर का वो होता है मोड एक डाटा का right? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसका है Thirteen का है कि नहीं दो बार रिपीटेशन है उसका तो आपका मोड हो जाएगा thirteen. Clear? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन कैलकुलेट द जोमेट्रिक मीन ऑफ वन थ्री नाइन थ्री ओके तो जोमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं जितना आपका नंबर होगा ओके okay. कितना नंबर है वन थ्री नाइन थ्री मतलब चार्ठों नंबर है ओके okay. सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ओके टू दावर वन बाई फोर फोर क्यों हुआ फोर क्यों हुआ क्योंकि चार ठू नंबर है ओके okay. तो ये हो गया एटी वन टू द पावर वन बाई फोर राइट मतलब एटी वन क्या है थ्री का टू द पावर फोर राइट अगर तीन को चार बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एटी वन आता है राइट वन बाई फोर तो हो गया थ्री फोर इंटू वन बाई फोर ये वाला आपको पता होगा ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन विल बी इक्वल टू ए टू दावर एम इंटू एन ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं तो थ्री टू द पावर वन विल बी थ्री क्लियर सो आंसर इज ऑप्शन सी क्लियर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वेरियंस ऑफ अ कॉन्स्टेंट एक्स इज ओके कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का वेरियंस हमेशा क्या होता है जीरो होता है ओके सो आंसर इज जीरो क्लियर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन फाइंड द वेरियंस ऑफ द कॉन्स्टेंट के ओके यहां पर भी आंसर हो जाएगा जीरो क्योंकि के एक कॉन्स्टेंट है क्लियर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी हु पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट प्लांट कम्युनिटी बिहेव्स लाइक अ सुपर ऑर्गेनिज्म विच अराइजेस ग्रोस मैच्योर्स एंड डाइज ओके सो ये व्यू दिया था आपके क्लेमेंट्स ने क्लियर सो आंसर विल बी ऑप्शन ए एफ ई क्लेमेंट्स क्लियर सुपर ऑर्गेनिज्म जो थ्योरी है वो दिए थे ओके okay.

का कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अभी चार सौ से चार सौ ओके उतना पार्ट्स पर मिलियन है ओके okay? तो उसका आसपास है आपका फोर हंड्रेड एंड टेन सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री एम ए बी प्रोग्राम स्ट्रैंड फॉर ओके मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा है राइट तो दैट इज़ योर मैन एंड बायोस्फीअर प्रोग्राम ओके बायोस्फियर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्लियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच एमोंग द फॉलोइंग कंस्टीट्यूट द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड ओके वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोसिस्टम आपको पता है बहुत ईजी क्वेश्चन है इट इज ओशन ओके ओशन इकोसिस्टम जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव ओके रिन्यूएबल एन सोर्स ऑफ एनर्जी इज ओके इनमें से क्या एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज योर सोलर एनर्जी राइट बहुत इजी क्वेश्चन है है कि नहीं तो ये थर्टी फाइव में में से जो है आपको चार पांच छोड़ के बाकी सब आनी चाहिए राइट right? ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ तो आप लोग देखो कितना आपका मार्क्स आ रहा है राइट सो विश यू ऑल द बेस्ट मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में विथ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑफ एन्वायरमेंटल साइंस ओके तब तक बने रही है हमारे साथ स्टे कनेक्टेड स्टे ट्यून्ड विथ अस सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट इट सब्सक्राइब ओके बॉटनी मैम कल आपको अमोक टेस्ट की लिंक देने वाली है वो अटेंड करो राइट right? तो अपना फीडबैक बताओ जैसे आप बता रहे हो ओके okay.